छेल्ला केटलाय समय थी अशान धारो लागू करवा माटेनी मांगणी उठी छे, जो कि सरकार द्वारा बाबते कोई संतोषकारक प्रत्युत्तर मळतुं नथी। अने बीजी बाजु विधर्मीओ द्वारा ऊंची किंमते मकानो खरीदी अने त्यारबाद त्यां पग पेसारो करी अने अशांति फैलावाना प्रयासो थई रह्या छे, त्यारे आजे मोटी संख्यामां हिंदू संगठनोनी आगेवानीमां लोकोए रेली योजी कलेक्टर कचेरी खाती अशान धारानी मांग साथे आवेदन पत्र पाठव्युं हतुं। तेमज त्यां एकठा थयेला लोकोए कलेक्टर कचेरीना केम्पसमां रामधून बोलावी विरोध प्रदर्शित कर्यो हतो। 10 લાખ નો દસ્તાવેજ થાય અને 90 લાખ ચૂકવાય, 80 લાખ બ્લેક ના આપવામાં આવે, બોગસ બિલિંગ નું એપી સેન્ટર તો ભાવનગર છે જ, પણ આતંકવાદ નું એપી સેન્ટર ભાવનગર ન બને એ પહેલા સરકાર વિચાર કરે કે ભાવનગર ના વિસ્તારો ની અંદર અશાંત ધારો લાગુ કરવામાં આવે, હિન્દુ સમાજ ની માંગણીઓ ને સમજે વિચારે। वर्षीय बाळकी ना अपहरण केस मामले पुलिस गणतरी ना कलाकों में आरोपी ने झड़पी पाड़ा। पुलिस अपहरणकार पास थी मासूम बाळकी ने हेमखेम सुरक्षित रीते मुक्त करावी परिवार ने सुपरत करी छे। शहर ना डायमंड नगर नजीक थी मासूम बाळकी नुं अपहरण करी अजाण्यो शख्स फरार थई गयो हतो, जे बाद परिवारे सरथाणा पुलिस मथक में फरियाद करता पुलिसे तपास हाथ धरी। 6 જેટલી पुलिस की टीम बनावी सीसीटीवी फूटेज आधार आरोपी की धरपकड करवा चक्रो गतिमान कर्या हता। अंते गणतरी कलाकों में पुलिसे आरोपी सुनील शिव कैलाश केवटी धरपकड़ करी अने त्यारबाद वधु तपास हाथ धरी छे। તેને વાત કરી સોમનાથ મંદિરના પ્રસાદ ગૃહ અને નિઃશુલ્ક ભોજનાલયમાં પાઇપલાઇન નેચરલ ગેસનું પ્રથમ કનેક્શન જોડવામાં આવ્યું છે, જેમાં 2 પ્રસાદ બનવાના રસોડા અને નિઃશુલ્ક ભોજનાલય છે। पीएनजी गैस सप्लायनुं उद्घाटन श्री सोमनाथ ट्रस्टना सचिव श्री योगेन्द्र देसाई अने आईआरएम एनर्जीना सीईओ श्री करण कौशल द्वारा पुजारीनी उपस्थितिमां श्लोक उच्चारण साथे शास्त्रोक्त विधि विधान साथे करायो। अने आजे आईआरएम एनर्जी द्वारा सोमनाथ ट्रस्टना जे भोजनालयो छे, प्रसादी गृह छे, एमां नेचरल गैस जे पाइप द्वारा पूरो पाड़वानुं आथी एनो शुभारंभ करवामां आव्यो छे, जेथी करीने पर्यावरणने अनुकूल गेसनो सप्लाय मळशे। लोकोने जे आ बाटला नोंधावा के आ ते जे प्रोसिजर हती एना एमां झंझटमांथी छुटकारो मळशे, लोकोने पर्यावरण अनुकूल गेस मळशे अने ट्रस्टने पण લોકોને કોસ્ટ ઇફેક્ટ। આદિત્ય ઠાકરે ગ્રુપની શિવસેનાના કાર્યકર્તાઓએ ભાજપના કાર્યકરને માર માર્યો હતો। મુંબઈના દૈસર વિસ્તારમાં ગઠબંધન સરકારમાં સામેલ બંને દળના કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે આ મારપીટ થઈ હતી। બેનર લગાવવા મુદ્દે બંને ગ્રુપ વચ્ચે મામલો વિચક્યો હતો અને પછી મારપીટ શરૂ થઈ ભાજપના કાર્યકર્તાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવવામાં આવ્યા છે। આદિત્ય ઠાકરે કહ્યું છે કે મહારાષ્ટ્રમાં ક્યારેય સ્થિતિ આટલી ગંદી થઈ નથી। ગઈકાલે રાત્રે જે મારપીટનો બનાવ બન્યો એ મુદ્દે પોલીસે કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી। भाजपा की क्या मजबूरी है कि इस गद्दार गैंग की सरकार में बैठे हुए हैं ऐसे लोग उनके साथ होके भी जिन्होंने उनके ही कार्यकर्ता को पीटा है। आज तक मैं देखता था कि पिछले 5-6 सालों में भाजपा के कार्यकर्ता को कोई कुछ करने जाए तो एक खौफ का माहौल था, डर का माहौल था, लेकिन ये तो अगर आप देखें तो सरेआम उनको पीटा गया है और अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, कुछ भी एक्शन हुई नहीं है, तो पुलिस चुप क्यों है? इस पर काफ़ी सारे